हेलो गाइस, तो आज फाइनली डेट है 23rd of March और लॉन्च होने वाले हैं वन प्लस के 3 नए प्रोडक्ट्स जिसका हम काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई और आप लोगों को मैंने शेयर करी और काफ़ी सारे लोगों ने इन वीडियोस को पसंद भी करा। तो वन प्लस 9R एक बजट फ़ोन, वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो तीनों फ़ोन आज लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा है कि शायद जो इंडियन प्राइसिंग है वो आज ये रिवील ना करे। तो इस वीडियो के अंदर जो ऑफिशियल प्राइसिंग मेरे पास आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और काफ़ी सारे सोर्सेज से एक बात कन्फर्म भी हुई है। तो चलिए सीधे सीधे इस वीडियो में आपको मैं सीधे जो प्राइसिंग है वो वन प्लस 9 सीरीज की बताता हूं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित, वेलकम टू माय चैनल जिसपे हम करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर फैमिली है वो होने वाली है 3000 सब्सक्राइबर्स की और वही हमारा गोल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसे दबा के ग्रे कर दीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज वन प्लस अपने 3 नए डिवाइसेस लॉन्च करने वाला है। 7:30 बजे यूट्यूब पे इनका जो ऑफिशियल चैनल है वन प्लस का, उसमें जो स्ट्रीम है वो होना शुरू हो जाएगा। 3 नए डिवाइसेस वन प्लस 9R जो कि बजट फ़ोन है ऐसा सुनने में आया है, लेकिन आपसे आगे चल के जब प्राइस बताऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बजट फ़ोन होने वाला है। साथ में वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो जो हैसलब्लेड कैमरा के साथ आएगा। वन प्लस पहले ही बता चुका है कि कितने सारे पैसे वो लगा चुका है हैसलब्लेड के साथ, तो ये इनका बताने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो इसके प्राइसिंग इंक्रीज होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बम्प हमें देखने को मिलेगा वन प्लस 9 प्रो में, तो वो थोड़ी बहुत ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि प्राइस क्या होगा और मैं भी आपको अभी आगे चल के इसका जो प्राइस है वो शो करूंगा। तो 3 नए डिवाइसेस और साथ में स्मार्ट वॉच इनकी एक लॉन्च होने वाली है। स्मार्ट वॉच के बारे में इतने ज़्यादा लीक्स और रेंडर्स हमें देखने को नहीं मिले, मेरे को कुछ जो इमेजेस थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी, लेकिन मैं पर्सनली इसके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से एक स्मार्ट वॉच लेने की सोच रहा था। अब वन प्लस अगर सही प्राइस में सही फीचर्स के साथ कोई स्मार्ट वॉच लाता है और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार के अंदर, इसमें आपको सिंपल से क्लियर विनर बताऊं तो वो है रियलमी। रियलमी की जो स्मार्ट वॉचेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो कुछ टक्कर देने के लिए कुछ अच्छा अगर प्रोडक्ट लाते हैं तो शायद मैं भी जो इसकी जो स्मार्ट वॉच है वो ले सकता हूँ। अब प्राइसिंग की बात करें तो लास्ट ईयर में वन प्लस जब 8 लॉन्च हुआ था, वन प्लस 8 और 8 प्रो, तो इंटरनेशनल मार्केट के जो प्राइस थे यूके, यूएस और चाइना वो सारे उन्होंने शो करे थे। मैं भी वो जो लाइव इवेंट था वो लाइव देख रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि इंडियन प्राइसिंग कम से कम 10 से 15 दिन बाद इनकी जो इंडियन प्राइसिंग है वो शो करी थी। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इंडियन जो प्राइसिंग है वो मेरे पास आ चुकी है और भी काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच चुकी होगी। सब लोग वीडियोस बना रहे होंगे या फिर बना के डाल चुके होंगे इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड। तो वन प्लस सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस 9R की, जो ये बजट फ़ोन कह रहे हैं। तो जो मेरे पास सोर्सेज से पता चला है इसका प्राइस 40,000 रुपीज़ से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बजट फ़ोन की जो प्राइसिंग है इवन अगर 35,000 रुपये का भी होता तो भी थोड़ा बहुत जस्टिफाइड होता। लेकिन अब देखते हैं कि क्या स्पेक्स वगैरह ये जो है, क्या पता कुछ नया हमें देखने को मिल जाए और हो सकता है 40,000 रुपये भी जस्टिफाई हो जाए। लेकिन अभी तक तो बजट फ़ोन मुझे नहीं लगता वन प्लस 9R होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें वन प्लस 9 की, जो कि नॉन प्रो वेरिएंट है, पिछले साल इसकी जो स्टार्टिंग है वो 42 से स्टार्ट हुई थी 6GB वाला वेरिएंट और 8GB वाला जो था वो 45 का था। लेकिन इस बार जो इसकी प्राइसिंग है वो 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है। अभी जो ये है 8GB 128GB वाला जो मॉडल है उसका मैं बात कर रहा हूँ, क्या पता 6GB वाला जो वेरिएंट है वन प्लस 9 में हमें फिर से देखने को मिले। लेकिन वन प्लस 8T से कुछ ज़्यादा अपग्रेड वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, तो तब भी 5,000 रुपये जो इसका जो प्राइस है और हाइक हो चुका है। तो वन प्लस 9 का जो प्राइस है वो है 50,000 रुपये से स्टार्टिंग। 6GB वाला जो मॉडल मिल जाता है तो 2-3 हज़ार रुपये और कम कर लीजिए, इससे कम नहीं होगा 50,000 रुपये वन प्लस 9 के नॉन प्रो वेरिएंट के। अब बात कर लेते हैं मेन इनका जो डिवाइस रहने वाला है फ्लैगशिप इस साल का वन प्लस 9 प्रो के बारे में, और यही जो डिवाइस है वो स्पॉटलाइट पर रहने वाला है इस साल का इनका फ्लैगशिप। इन्होंने पूरी मार्केटिंग वन प्लस 9 प्रो की सिर्फ और सिर्फ हैसलब्लेड के नाम से करी हुई है। क्या पता कैमराज इसके अच्छे हो भी, लेकिन अगर अच्छे नहीं होते हैं तो बहुत बुरी बेइज्जती करवा लेगा वन प्लस 9 प्रो। हैसलब्लेड के जो इन्होंने कोलैबोरेशन कराया है इसमें पहले ही बता चुके हैं कि काफ़ी सारे मिलियन डॉलर्स ये लगा चुके हैं, और वो उनका बताने का तरीका बस यही था कि हाँ जो ये प्राइस में लॉन्च करें वो जस्टिफाई हो जाए। तो प्राइस की अगर बात करूँ तो वन प्लस 8 प्रो लास्ट ईयर 55,000 रुपीज़ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी
और जो इस बार वन प्लस 9 प्रो होने वाला है लॉन्च, वो होने वाला है 65,000 रुपीज़ के अंदर। 10,000 रुपये का हाइक हमें इस बार भी देखने को मिला है, लेकिन मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड हमें लग सकता है अगर हैसलब्लैड का जो एक कैमरा की बात कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम हो जाए, या फिर आईफोन 12 की टक्कर वाले जो कैमराज हैं वो लेके आ जाएं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कमी देखने को मिलती है सैमसंग के फ़ोन या फिर आईफोन से हैसलब्लैड वाले कैमरा, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं चलने वाला वन प्लस 9 प्रो। लेकिन उम्मीद यही है कि इतने अच्छे कैमरा है, कुछ अच्छी इंजीनियरिंग करके दिखाई होगी, तो 10,000 रुपये भी कोई बड़ी बात नहीं है हाइक में, जो कि प्रो वेरिएंट है। हर साल आपको पता है इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो इंडिया में थोड़ा सा प्राइस तो वैसे ही बढ़ के आना ही था, तो 10,000 रुपये मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इसमें बम्प है। वन प्लस 9 प्रो अगर अच्छा डिवाइस होगा तो मेरे ख्याल से आईफोन 12 या आईफोन 12 प्रो मैक्स के जो कैमरा हैं उनको भी बीट कर सकता है। तो सिर्फ अभी तो हम होप कर सकते हैं कि जो हैसलब्लैड के कैमरा है वो अच्छे निकल के आए। 65,000 रुपीज़ के जो प्राइस है वो इतना बड़ा मेरे को लगता नहीं प्राइस ब्रैकेट है, और जो 10,000 रुपये का बम्प है वो जस्टिफाई हो जाएगा अगर इनके कैमराज अच्छे निकले तो। आज के वीडियो में मैंने स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात नहीं करी क्योंकि आज 7:30 बजे उसका लाइव इवेंट है, सारी चीज़ें आपको खुद कंफर्म हो जाएगी। 7:30 बजे यूट्यूब पे आप वन प्लस का जो ऑफिशियल चैनल है इनमें इनका जो लॉन्च इवेंट है वो आप देख सकते हैं। वन प्लस 9, वन प्लस 9 प्रो और 9R की जो ऑफिशियल प्राइसिंग इंडिया की रहने वाली है, जो कि 90% तक कन्फर्म्ड है, और यही प्राइसिंग के साथ इंडिया में ये डिवाइसेस लॉन्च होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वन प्लस की स्मार्ट वॉच का जो प्राइस है उसके बारे में कुछ ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं आई, इसलिए मैंने आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं करी, लेकिन वो भी आज 7:30 बजे के आसपास, शायद ये भी हो सकता है कि इंडियन की जो प्राइसिंग है वो आज ही रिवील कर दें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे व्यूज़ और थॉट्स आपको इस टॉपिक में कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, 3,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा गोल है, उम्मीद है आप जल्दी उसे पूरा कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे कोई और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।